इंसान के दिल में अगर प्यार है, वाणी में मिठास है और कर्म उसका पवित्र है तो सबका प्यार है। जबान जिसकी मिट्टी है उस पर का इंसान नहीं है कोई, वो दुष्ट को दुश्मन को भी अपना बना देगा। लेकिन अगर किसी के खोट है, जिसकी नीयत खोटी है, कर्म गंदे हैं, विचार अच्छे नहीं हैं, दुष्ट प्रवृत्ति का है, जिसके संस्कार नहीं मिले माँ बाप से, मतलब अच्छी शिक्षा नहीं मिली जिनको, वो अपनी जिंदगी में तबाही के, बुराई के, दुष्टता के, दूसरों को दुख देने के काम करते, और जो दूसरे को दुख देता है उसका कर्म बन जाता है, कर्म जो भी किया जाता है उसका कर्म फल बनता है, कर्म फल जो बनता है वो उसको भोगना पड़ता है। तुम कर्म फल नहीं बनाते तो भोगना कहाँ से पड़ेगा, कर्म बनाओगे तो ही भोगना है ना। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, जो अच्छा नहीं करता है तो उसका अच्छा कहाँ से। सत्संग में आते हो तो सत्संग के नियम को मान, सेवा करना, प्यार करना, भक्ति करना, दूसरे को सुख देना, दुखियों गरीबों की सहायता करना, बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग का वचन मानना, कहना मानना, उनकी आज्ञा में रहना, ये नियम जो पालन करता है तो सत्संगी है। अगर उसके दुष्ट विचार हैं, माँ बाप का नहीं, अपनी संतान का नहीं, अपने रिश्तेदार नातेदारों का जो नहीं, वो दुष्ट किसका होगा, परमात्मा की दरगाह में उसका लेखा क्या होगा। जो आदमी अपने घर वालों से प्यार नहीं कर सकता बाहर कहाँ करेगा, और जो घर वालों से करता है बाहर भी करता है। जिस इंसान के दिल में जो खूबी होगी वह बाहर प्रकट हो जाएगी। वे संस्कार मिलते हैं परिवार से, जो परिवार में नहीं रहा, जिस माँ बाप ने अपनी संतान को अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छी शिक्षा, अच्छी संगति उसको नहीं दिए, तो जिंदगी में उसका जीवन डामाडोल हो जाता है, बेकार हो जाता है। इंसान का चोला बड़ा कठिन है मिलना, बहुत कठिन है, और सारी चीज भरपूर होना और भी कितनी अच्छी बात है। जिन लोगों के पास ये चीज नहीं है, जिसके पास धन नहीं धन चाहता है, जो लोगी हो अपना शरीर स्वस्थ चाहता है, जिसके संतान नहीं वो संतान चाहता है, जिसके संतान नहीं होती उसके लिए वो क्या क्या नहीं कर गुजरती है, माता है इनको कोई भी काम बता देते हैं सब पता नहीं क्या क्या करते हैं। आजकल तो थोड़ा कम हो गया, विज्ञान ने वो कर्मों को निकाल दिया, पुराने जमाने में तो कोई बटोड़ा फूक दिया करती, कोई घर फूक दिया करती, कोई किसी का बच्चा मरवा दिया करती। आप ये पीछे की घटना आपने सुनी होगी, गाँव में एक छोटा सा बच्चा मार दिया, और बच्चा मारने का कारण क्या था कि उनके बच्चे नहीं होते थे, किसी कंपनी में मरवा दिया, के करवा दिया, कुछ ऐसी बात थी। टीवी में आपको मीडिया चला था ना थोड़े दिन पहले, तो ये इस तरह वाले भरम जब दिमाग को में मारते हैं वो आदमी दिमाग के रूप से विक्षिप्त होते हैं। जिनके पास प्यार नहीं है, जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता, अपने औलाद को कुछ नहीं समझता, किसका होगा वो बताओ, किसी का होगा, किसी का होगा क्या। जो अपने माँ बाप का नहीं है उनकी छाती में बैठ के गला काटने को तैयार हो जाता है। माँ बेटे की लड़ाई कभी सुनी नहीं, भाई भाई की लड़ाई नहीं सुनी, भाई भाई का गला काटता है, बाप बेटे का गला काटता है, तलवारबाजी छुनेबाजी किस बात के लिए, छोटी मोटी चीज के लिए। कभी कभी तो ऐसे हालात भी देख के 5-5 रुपये के लिए आदमी को मार देते हैं, कि किसी ने 5 रुपये का सामान लिया और दे नहीं पाया,
उनका झगड़ा हो गया। कभी कभी सुनते हैं कि बाकी वो साइड दे रहे हैं, बीजवाद काट के गोली मारने में तैयार हो जाते हैं, लेकिन साइड तो नहीं। तो क्या ये ऐसी बातें, इनका जायज है कि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते, दया नहीं है उनके दिल में, धर्म का पालन कहाँ से करेंगे? तो यहाँ आप आते हो ऐसे लोग, मैं तो ये अपेक्षा करूँ कि आदमी जहाँ कहीं जाता है उसके लिए मर्यादाओं को निभाना चाहिए। ये नहीं कि ये मुसलमान है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, इन चीज़ों के चक्कर में ना, उनके अपने नियम है, हमारे अपने नियम, उनको अपने नियम करने तो हमें अपने करने दो। सबको रास्ता तो एक ही है, वो अल्लाह के कहने करते होंगे, वो वाहेगुरु कहने करते होंगे, वो ईसा मसीह कहते होंगे, हम उसको ईश्वर परमात्मा कहते हैं, लेकिन उसके तो सबके नियम तो एक ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो सबको मिलजुल के भाईचारे से प्रेम से रहना चाहिए, देश को एक परिवार मान के। सब यहाँ अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सब झगड़े अपने आप मुझ जाएंगे और शांति का जो पाठ है वो पढ़ेंगे और देश उन्नति करेगा। अगर आपसे झगड़े हुए तो क्या है, इंसान इंसान को मारता है, झगड़े मुकदमे चलते हैं, कोर्ट के चेहरे में धक्के खाते हो, इज्जत होती है कोर्ट के चेहरे में, जो मन में आता है कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अच्छा तो कहेगा नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों को त्याग के प्रेम के रास्ते पर चलो, यही भक्ति है, सच्ची भक्ति का रास्ता तभी आदमी पा सकता है, नियमों का पालन। आशीर्वाद।